जी देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है, और उसी के चलते हुए हिमाचल प्रदेश में भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गवर्नमेंट है वो साथ मिलकर पब्लिक के हर घर तिरंगा जो है उस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च हमने कर दिया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। बेसिक आइडिया इज जैसे हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से तिरंगा लहराते हैं, वैसे ही हर एक आम नागरिक को भी इस बार मौका दिया जा रहा है कि वो अपने घर पे तिरंगा लहराए और इस साहस, शांति और समृद्धि के प्रतीक को और हमारे जो सेना थी उनके बलिदान को, हमारे किसानों को और शांति को आप कह सकते हैं कि महसूस करने का जो मौका है वो हर घर तिरंगा जो है वो दे रहा है। इसमें कुछ इवेंट्स हैं मैं जो आपको बताना चाहती हूँ। हमको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा वाया डीसी ऑफिस हम लोगों को फ्लैग्स मिले हैं। एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो हमारे पूरे ब्लॉक नगर में इस समय 51 पंचायत्स हैं और 25,600 के आसपास हमारे हाउस होल्ड हैं, तो उन सभी के लिए हमारे पास फ्लैग्स रिसीव हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने ब्लॉक में जो ऑफिस बनाए हैं वो हमने अपने पंचायत सेक्रेटरीज बनाए हैं और एक कमिटी का गठन हमने किया है जिसकी आप कह सकते हैं अध्यक्षता जो है प्रधान करेंगे और मेंबर सेक्रेटरी उसमें पंचायत सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आगे सब कमिटीज बनाई हैं। तो वार्ड मेंबर्स के थ्रू आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, युवक मंडल, महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब मिलके जो है फ्लैग्स का वितरण करेंगे आम लोगों को। और इन फ्लैग्स की एक कॉस्ट रखी गई है क्योंकि हर फ्री चीज आप जानते हैं लोग वैल्यू नहीं करते, तो 25 रुपए के हिसाब से फ्लैग्स को बांटा जा रहा है। अगर मैं आपको इवेंट्स के बारे में इसमें बताऊं तो इसमें हमने ये तय किया है कि 9 से लेके 11 तारीख तक हम रोड शोज करने वाले हैं। हमने 4 अपने फोकल पॉइंट लिए हैं अपने नगर में। पहला आपका मनाली है, दूसरा पतलीकुल है, तीसरा नगर है और चौथा जगतसुख है। इन 4 पॉइंट्स पे लगभग 400 से 500 महिलाएं जो है वो तिरंगा लेकर चलेंगी और गांधी जी की जो संस्कृति रही है उसको हम यहाँ पे दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में कुछ महिलाएं हैं हमारी मनाली में जो कि बाइकर्स हैं, तो वो वैसा बाइक शो भी करने वाली है। और इसके बाद युवा भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सीनियर सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 11, 12, 13 तारीख को हम लोग प्रभात फेरियां निकालने वाले हैं, जैसे गांधी जी गाया करते थे रघुपति राघव राजा राम, इस प्रकार के जो हमारे गीत रहे हैं ताकि लोगों में फिर से एक जो पेट्रियाटिक फीलिंग है उसको दोबारा से रिमाइंड करवाया जाए। और 13, 14, 15 को मेन फोकस हमारा यही रहेगा। सभी लोगों से अपील रहेगी कि अपने घर पर झंडा जरूर फहराएं और इसके लिए हमारे फ्लैग कोड में भी काफी सारे इस बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो जो लोग अपने घर पर झंडा लहराएंगे वो सुबह से लेकर शाम तक झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिसेज है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है तो वहां पे उन लोगों को सूर्यास्त के बाद झंडे को मतलब निकालना पड़ता है। तो फ्लैग कोड्स में इस बार कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई है।